के आगे पुलिस मिल जाएगी। मुझे लग रहा है जितने बड़े बड़े ब्लॉगर्स हैं वो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। वेलकम टू द न्यू व्लॉग, और आज बहुत टाइम के बाद फिर से व्लॉग कर रहा हूँ मैं। तो अभी आया हूँ मैं मंदिर। मंदिर में मुझे एक सीधा देना पंडित जी को और एक चीज प्रवाह करनी है, वो करके फिर हम जा रहे हैं सीधे पापा के फोन में। कुछ तो भी काफी टाइम से बोल रहे थे कि फोन में ना काफी स्क्रीन टूटा हुआ और ये है, तो उसका स्क्रीन चेंज कराना है, ये रहा फोन। तो मुझे लग रहा है इसका टेम्पर्ड खराब है, तो चलेंगे अभी और इसको चेंज कराते हैं। और आज हम सब लोग पूरी फैमिली कहीं जाने वाले हैं, बहुत टाइम के बाद हम चारों लोग फिर से शाम को निकलेंगे, क्योंकि आज सैटरडे मेरा ऑफ है तो वहां भी जाएंगे। और चलिए, ये है यहाँ का मंदिर, सिहारी मंदिर, और ये है इसी में हम इस दिए को प्रवाहित कर देंगे, तो चले जाएंगे इसी में। तो यहाँ चप्पल उतार के यहाँ जाके भाई इसी में इस दिए को हम प्रभावित कर देंगे। मेरा पैर मुड़ता नहीं है ना ज्यादा, ये देखिए इसी में चला गया। ये कुछ तो पैर मेरे लग गया यार। फिर हमारा सीधा जो पंडित जी को चला जाएगा। आओ भाई, तुमको भी सही स्थान पे पहुंचा दे, रख दे तख्त पे, रख देना। ये यहाँ रख दिया। हाँ, ये हमारे पंडित जी हैं मंदिर के, और ये रहा मंदिर देखो, और ये अभी नया बना है यहाँ पे। और लखनऊ में पिछले दो दिन से इतनी बढ़िया चटक धूप निकल रही ना भाई, मतलब मजा आ जाता है। और ठंड अब थोड़ी थोड़ी कम हो रही है। आपके इधर बताइए आपके कमेंट सेक्शन में कि आपके इधर अभी ठंड कैसी है, धूप है या बारिश है या ठंडी है, क्योंकि यहाँ पे तो देखो काफी चटक धूप निकली है। मुझे लगता है ना यार कि मतलब ऑटोमेटिक और मैनुअल गाड़ियों के मुकाबले ना ऑटोमेटिक में व्लॉगिंग करना मतलब ज्यादा आसान है, कि आपको गियर नहीं बदलना पड़ता, कुछ नहीं करना पड़ता। जैसे ये जो है ये मैनुअल है, बट इसमें मुझे बार बार ऐसे 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 तो ऊपर नीचे कैमरा हो जाता है, तो ये सीन है। ये देखा आपने, अभी मैंने गियर चेंज किया है, तो ये थोड़ा मुझे स्टेयरिंग छोड़ के फिर गियर बदलो, तो ये थोड़ा ऑटोमेटिक। मुझे लग रहा है जितने बड़े बड़े व्लॉगर्स हैं सब लोग ऑटोमेटिक ही रखते हो। तो भाई ये देखो करंट अभी मॉल का हालत, यहाँ पे चटका हुआ है, यहाँ चटक गया है, यहाँ चटक गया है, और एक अगर लाइन जलाऊंगा तो ये भी पूरा चटका हुआ है। ये बच गई है, बस ये यहाँ पे ब्लैंक हुआ। ये निकल सकता है ये जो ब्लैंक है। कितने की डिस्प्ले लगाई था आपकी? बस आपको कोई जरूरत पड़े आइएगा, जो कम से कम डिस्काउंट हो सकता है, जो जितना डिस्काउंट हो सकता है। और इसमें टच का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा? क्योंकि मुझे तो नहीं लग रहा है, टच करके देखे थे तो नया टेम्पर्ड हमारा लग गया है। बाकी फ़ोन अब देखेंगे यार, 5-6 महीने बदल देंगे इसको। भाई फ़ोन तो पूरा ठीक हो गया, देखिए वो टेम्पर्ड ही खराब था, कुछ टाइम के बाद इसका भी टाइम आ ही जाएगा। चलते हैं यहाँ से सीधे घर, क्योंकि घर पे लोग वेट कर रहे हैं खाने का। हमारा रूटीन काफ़ी चेंज हो गया भाई, हम लोग अब खा लेते हैं करीब 11:30-12 बजे तक खा लेते हैं। फोन नीचे रखना पड़ेगा क्योंकि आगे पुलिस मिल जाएगी। हाँ, फाइनली बैक होम, सारा काम हो गया, अब जा रहे भाई खाना खाने। और खाने में बना है मज़ेदार निमोना चावल। निमोना चावल जो लोग नहीं खाए, जिनको नहीं पता है, अगर आपको पता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। निमोना चावल बेसिकली बनता है पूरा मटर का, और बहुत टेस्टी होता है भाई, मैं दिखाता हूँ कैसा होता है कलर। भाई निमोना जो मैं बात कर रहा था, प्योर मटर का बनता है, बहुत टेस्टी है भाई। रोटी नहीं है क्या इसके साथ? अच्छा, तो जब तक मैं खाना खाता हूँ भाई, तो आप लोग क्या क्या कर सकते हैं, मैं दोबारा बोलूँगा, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये रोटी ऐसे करो, इसमें ऐसे डिप करो, और अमेजिंग भाई। मैं अपना लंच एंजॉय करता हूँ, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। ये देखो भाई, ये देखो कैसे लाइंस बन गई हैं। ये जो लाइट्स है ना, ये प्रॉपर ऐसे सीधी लाइन बनाती है, एकदम रेस की तरह। ये देखो, बहुत मुश्किल से ये लाइट्स मिली थी हमें, जैसे सीधे फॉर्म करती जलती और ऐसे लाइन बनाती है, तो ये इस टाइप का कुछ दिखता है लाइंस बनने के बाद। तो यार मेरे बालों को थोड़ा इग्नोर करना। तो अभी आज हम सब लोग जाने वाले थे मंदिर, बट जा नहीं पाए क्योंकि कुछ गेस्ट आ गए थे घर पे। तो अब हम माइट बी नेक्स्ट ट्यूसडे को जाएंगे। और तो अब जो टाइम बचा हमारा उसको क्या करें, तो बहुत टाइम से पिज़्ज़ा नहीं खाया था भाई, तो अभी पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है, तो बस वो आने वाला है। और वो चाटा जो मतलब कम से कम मेरे को लग रहा है कम से कम मैं एक साल या कम से कम कुछ भी तो 9 महीने से 1 साल के बाद ही मैं पिज़्ज़ा खा रहा हूँ।
तो क्रेविंग बहुत अच्छी है और वेट कर रहा हूँ यार, डिलीवरी बॉय का बस आने वाला है और फटाफट खाते हैं उसको, अटैक करते हैं। फाइनली भाई अपना गर्मा गर्म पिज्जा एकदम गर्म गर्म आ गया है, चिली फ्लेक्स वगैरह सीजनिंग्स और देखते हैं। तो भैया देखो हमारी पिज्जा पार्टी शुरू हो गई है। पिज्जा में सॉस डाल के खाने वाले लोग अभी भी जिंदा है दुनिया में, डायनासोर की तरह। क्या हमारे घर में ना हम लोग बाजार से घी नहीं लाते हैं, मम्मी घर में घी बनाती है। देखिए ये हमारी घी बन के रेडी हो गई। और मेरे पैर की चोट अभी तक ठीक नहीं हुई भाई, ये घुटने में इतना दर्द होता है ना चलते टाइम, खट 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 बोलता रहता है ये। पिज्जा पार्टी वगैरह हो गई हमारी, बहुत टाइम बाद खाया, मतलब इतना मज़ा आया ना पिज्ज़ा खा के। तो अभी एक बहुत इम्पोर्टेंट काम बाकी है मेरा, ये जो कि मुझे मतलब करीब 2-3 महीने से मैं बोलोगे हाँ मुझे करना है करना है करना है, बट वो कर नहीं पा रहा। तो आज फाइनली थोड़ा ऑफ मिला है तो मैं ये सोच रहा हूँ इसको कर लूँ। बट ये मैं दिखाता हूँ आपको कि इसको आप देखिए और फिर बताइए इसे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये अब मैं सोच रहा हूँ कि अभी करूँ या संडे को करूँ यार, ये मतलब काफ़ी टाइम से पेंडिंग पड़ा, देखो कितना मेस पूरा है। बट काफ़ी कुछ मेस देखने के बाद मैंने डिसाइड किया कि अभी बज रहे रात के 9, तो अभी कोई सेंस नहीं करने का, क्योंकि फिर करके मैं आलस में वापस रख दूंगा। सो कल सुबह नए दिन के साथ नए काम के साथ नई शुरुआत करेंगे और इसको पूरा ठीक करेंगे और आपको दिखाएंगे कैसे किया है। मेरा टीवी यूनिट देखिए कैसा लग रहा है, प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में बताइए ये कैसा लग रहा है। यहाँ पे जिन जिनको पता है आप पहले बताइए कि यहाँ पे पीछे यहाँ पे पहले क्या था और अब ये कैसा लग रहा है। बट जो मुझे लग रहा है काफी सुंदर लग रहा है, इस पे थोड़ा मार्बल का टेक्सचर दिया हमने, काफी बड़ी वाली टीवी, प्यारी सी टीवी, हमारे टॉयज वगैरह हैं जो भी और करना है। मेरे ये वाले हेयर स्टाइल से बताइए आपको कैसा लग रहा है, मतलब किसकी तरह मैं लग रहा हूँ इस वाले हेयर स्टाइल से। कॉमेंट में बताइए कि मैं किसकी तरह अभी है बाल, मतलब ये हेयर स्टाइल आपने देखा होगा, वो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, प्लीज कमेंट में देगा ये हेयर स्टाइल कैसा लग रहा है मेरे ऊपर। तो अगर ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, मजा आएगा, कहीं भी आपने एंटरटेन किया होगा या रिलेट किया होगा, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ढेर सारा प्यार कीजिए। मिलते हैं जल्दी अगली किसी व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।